बुजुर्गों के हाथों में मैं जिंदा हूं की तख्तियां और लड़कियों और युवतियों के हाथों में और लड़कियों के हाथों में मैं अविवाहिता हूं वाली तख्तियां, लेकिन फरियाद दोनों की जुबान पर एक, फिर भी मेरा वोट काटा जा रहा है। कुछ इसी नारे के साथ कुंदरकी के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। बुजुर्गों का आरोप है कि उन्हें वोटर लिस्ट में मृत दिखाकर लिस्ट से नाम काट दिया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उससे पहले राजनीति गर्म हो गई है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट के ये लोग हैं प्रदर्शनकारी, जो सैकड़ों की तादाद में हैं। इनका ये आरोप है कि इनके जीवित होते हुए, अपने पते पर रहते हुए, इनके वोटों को जो है वोटर लिस्टों से काट दिया गया है। और आज ये तमाम जो महिलाएँ पुरुष आए हुए हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में यहाँ मुरादाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुँचे हैं। हमारा भी, हमारे हस्बैंड का भी कट गया, हमारे बहू को भी कट गया। कहाँ रहती हैं आप? डोम घर में। आप नहीं है, मेरा खाट मुरवानो। इसी तरह लड़कियों को शादीशुदा दिखाकर उनके वोट काट दिए गए। इन सभी महिला और पुरुषों को सपा के पूर्व विधायक हाजी रिजवान और जिला अध्यक्ष जयवीर यादव लेकर पहुंचे थे। सपा जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक का आरोप है कि यहां तो केवल 200 से 250 लोग हैं, लेकिन ऐसे 10 से 12,000 लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से इसलिए काट दिए गए हैं कि कुंदरकी से समाजवादी पार्टी न जीत सके। कम से कम 12,000 लोग ऐसे हैं जो मौजूदा हैं, जिंदा हैं, नाम काटे, जिन्होंने 2024 के लोकसभा में वोट डाले हैं। ऐसे लोगों के 10,000 लोगों के वोट काट दिए गए। क्यों काटे गए, क्या वजह है? पहले समाजवादी पार्टी ने शिकायत की थी कि मुस्लिम और यादव बीएलओ हटा दिए गए हैं, और अब आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 10-12,000 वोटर वोट काट दिए गए। बीएलओ हटाए इसलिए गए थे जी। ये मेरे वालिद साहब हैं, इनका वोट काट दिया गया। अच्छा, ये हाजी किरार है मेरे गाँव के, उनका वोट काट दिया गया। ये तमाम लोग जितने भी हैं, इनका सबका प्रमाण मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इनका सबका प्रमाण साथ में। देखिए, मैं फोटो के, मैं आईडी के, ये जितनी लड़कियाँ हैं, इनका सबके सब पे आईडी सबकी लगी हुई है। इनको शादीशुदा दिखा दिया गया। सपाइयों का आरोप है कि ये सब बीजेपी के लोग सत्ता का दुरुपयोग कर करा रहे हैं। कुंदर की सपा का गढ़ है, बीजेपी कामयाब नहीं हो पाएगी। सपा जिला अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया जिसमें जांच की मांग की गई है, समाधान न होने पर चुनाव आयोग तक जाने की बात भी कही। माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपेंगे। जिलाधिकारी जी से हम अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करते हैं, जो भी ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो इसमें ड्यूटी में लगे हुए हैं, जो इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जीवित लोग हैं, ये सभी लोग आए हैं जिनके वोटर लिस्ट से नाम कटे हुए हैं, जिन के नाम कटे हैं, ये सब महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, ये सब जितने भी खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट से वोट काटे गए। तो आज हम सब जो हैं जिला अधिकारी जी को अपना ज्ञापन देने आए हैं, और ये उनसे मांग करते हैं कि जो लोग इसमें लगे हैं, जो अधिकारी लगे हैं, कर्मचारी लगे हैं, और जो इस तरह की षड्यंत्र रच रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सपा नेताओं के नेतृत्व में कुंदरकी के लोगों के इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीर को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी को खूब खरी खोटे सुनाते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी संभावित हार से बचने के लिए भाजपा एक तरफ मनचाहे तबादले करवा रही है तो दूसरी तरफ जायज मतदाताओं के नाम कटवा रही है। चुनाव आयोग तत्काल इसका संज्ञान ले। साजिशें हार की निशानी होती है। आपको बता दें, जिस कुंदरकी विधानसभा सीट के सपा नेताओं ने 12,000 वोटरों के नाम लिस्ट से गायब करने का आरोप लगाया है, समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क इसी सीट से विधायक थे, लेकिन उनके संभल से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो गई। प्रदेश की अन्य सीटों के साथ कुंदरकी में भी उपचुनाव होने हैं। इसको देखते हुए दलों में जोर आजमाइश जारी है। सपा अपनी जीती सीट को किसी भी कीमत पर फिर से जीतना चाहती है, तो बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।